नेवर क्विट, कभी भी जो काम करने जा रहे हो या जो काम कर रहे हो किसी और की वजह से अपने अपनी राह में हायल रुकावट से उसको रुक नहीं जाना, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना सीखें, ठीक है ना। या तो अपना रास्ता चेंज कर लें ऐसे लोगों से जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आप लोगों के ट्रैक से आप लोगों को हटाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, एंड फिलोसफी को अपनाएं और रास्ता अपना मोड़ लें, कोई और आता है फिर मोड़ लें। गोल की तरफ जाना आपने सीधा ही है, चाहे यहाँ से मुड़ के जाए चाहे वहाँ से मुड़ के जाए, मगर हमेशा अपने गोल को। मैं इसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़, मैंने एक चीज़ पढ़ रहा था उसके लिए बड़े अच्छी बात मैंने पढ़ी वहाँ पे, कि हमेशा जो आप बनना चाह रहे हो, जो भी आपका गोल है ना, उसको अपने पासवर्ड की तरह सेट कर लो ताकि हर वक्त आपको याद रहे। कोई भी जीमेल है, फेसबुक है, कुछ भी आप लोग XYZ यूज़ करते हो ना, अपनी कॉपी के बैक पे लिख लो उसको, जब भी कॉपी खोलो आपको याद रहे कि हाँ यार ये मेरा मिशन है, ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है। अभी से अपने आप को मोटिवेट रखो, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, कभी भी नहीं रुकना है। इसी तरह फ्यूचर, दूसरा लेसन हमें क्या मिलता है, जैसे चूटी अपने लिए एक मौसम के लिए पूरा खाना तैयार करके अंदर जो भी उन्हें होल्स में रहना होता है, सर्वाइव करना होता है, सब जमा करके रख लेती है कि हाँ यार अब हमें ये करना है और हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है एक एक अरसे तक, तो हमें उसके लिए इतना फूड चाहिए। और वो अपने से वज़न से ज़्यादा 10 गुना 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा के भी वो लेकर जाती है और वो वहाँ पर स्टॉक कर देती है। तो ये हमें फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि दूरंदेशी क्या है, कि हमें इसके बारे में पता चलता है कि यार आइंट फिलोसफी हमें ये सिखाती है कि दूरंदेशी, आगे के बारे में सोचना। चूटियों को आप कभी रोक भी नहीं सकते, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि वो आप उनके आगे कभी भी हाथ रख दे वो अपनी लाइन चेंज कर लेंगे, आप उनके आगे वहां से हाथ रख दे वो लाइन चेंज कर लेंगे, कोई मटीरियलिस्टिक चीज रख दे उसके ऊपर से क्लाइंब करके गुजर जाएंगे, रास्ता चेंज नहीं करेगी। आप कभी भी चूंटी को नहीं रोक सकते सिवाय एक तरीके से, आप उसको मार सकते हैं, वो मार के ही रुकती है, वैसे वो कभी नहीं रुकेगी। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी जिंदगी में कोई काम करने, देखिए रोकने वाले आपको बहुत आएंगे, जो आप कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, कोई आएगा आपको बोलेगा यार ये क्या कर रहे हो, क्या फजूल काम कर रहे हो, और मतलब आप नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आप ये आगे नहीं बढ़ सकते, आप ये क्लास क्लियर नहीं कर सकते, आप अपना ये लेसन नहीं कर सकते, बहुत से लोग आएंगे और आपको बहुत सी चीज़ें फ्यूचर में इस तरह फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये चूटी की जो फिलॉसफी है ये अपनानी है कि उन लोगों से रास्ता अपना मोड़ लेना है, आपने अपने आप को रोकना नहीं है, कभी भी अपने आप को किसी और की वजह से नहीं रोकिएगा, अपने गोल की तरफ जाते हुए नहीं रोकिएगा, अपना रास्ता चेंज कर लीजिएगा, उस लोग से, उस बंदे से, उस शख्स से दूर हो जाइएगा कि यार नहीं ये मुझे भटका सकता है, ये किस कभी भी अपने गोल के आगे, अपने फ्यूचर के आगे किसी भी रुकावट को हायल नहीं होने देना। रास्ता चेंज करो, गो फॉरवर्ड, जाने के लिए रास्ता बना है ना, कोई रुका तो नहीं है। तरक्की याफ्ता लोग किस तरह आगे बढ़े, पॉजिटिविटी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि उन्हें पूरा एक सीज़न एक अंदर रह के गुजारना होता है, सिर्फ ये सोच के इतनी ऑप्टिमिस्टिक होती है कि हाँ गर्मियों की जब पहली धूप निकलेगी तब हम बाहर निकलेंगे, उसके लिए खाना जमा कर लिया, ठीक है हो गया, अब क्या खाना ही खाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपने लिए पुरउम्मीद होना, कभी भी कोई भी डाउनफॉल है, कोई भी बुराई है, देखें ज़िंदगी का मकसद, और ज़िंदगी है ही इसी का नाम कि आपको खुशी भी मिलेगी, आपको गम भी मिलेंगे, लेकिन ज़िंदगी रुक नहीं जाती, ज़िंदगी सिर्फ मौत से रुकती है और उसको कोई नहीं टाल सकता। तो सरवाइव करते रहना है, लड़ते रहना है, जस्तुजू करते रहना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी, जहाँ आपने हर चीज़ में नेगेटिविटी सोच ली, यार ये मैं नहीं कर सकता, अब इससे तो मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, अब ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मेरे लिए मैथ्स तो बिल्कुल नहीं समझ आता। देखिए आपने जब अपने दिमाग में, अपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने एक चीज़ फीड कर ली ना कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। और आपने बड़े से बड़े पहाड़ को हिलाने का भी अगर सोच लिया ना कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ आप वो कर सकते हो, लोगों ने किया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मोटिवेट।